खेती मजदूरों और अन्य संसाधनों की कमी के कारण खेतीबाड़ी छोड़ रहे किसानों के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी समर्थित हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना बहुत बड़ी सौगात लेकर आई है। इस परियोजना के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है तथा किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। परियोजना के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि हमीरपुर जिला की सभी 32 उप परियोजनाओं में गठित कृषक विकास संघों के माध्यम से 3-3 लाख रुपए की मशीनरी उपलब्ध करवाई गई है। इन पर 99 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ये कृषि यंत्र कृषक विकास संघों के माध्यम से किसानों को कस्टम हायरिंग पर दिए जाते हैं। संबंधित कृषक विकास संघ इसकी एवज में लाभार्थी किसान से एक निर्धारित राशि वसूल करता है, जिसे मशीनरी के रखरखाव एवं संचालन पर खर्च किया जा सकता है। डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि जायका के अंतर्गत उठाव सिंचाई परियोजनाओं गुहल और रहजोल में भी किसानों को भी उनकी आवश्यकता अनुसार ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए गए हैं। गुहल और रहजोल के कृषक विकास संघ ने केवल क्षेत्र के किसानों को सस्ती दरों पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवा रहे हैं, बल्कि अच्छी आमदनी अर्जित करके आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ रहे हैं। कृषक विकास संघ गुहल व रहजोल ने इन यंत्रों एवं मशीनों से क्रम शुरू 3,46,816 और 2,45,700 रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। PLDB के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।